आज मैं क्लास ले रहा हूँ। अगला क्लास मेरे पिछले कक्षा में भोजन के बारे में बता चुका हूँ, आज मैं मनुष्य में पाचन के बारे में बताऊंगा। तो मनुष्य में जो पाचन स्टार्ट होता है वो आहार नाल से लेकर गुदा तक होता है। मनुष्य में मनुष्य का पाचन आहार नाल से लेकर गुदा तक होता है। मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है वो कहाँ? आहार नाल से लेकर गुदा तक होता है। आहार नाल में इसकी जो लंबाई होती है लेंथ, इसकी जो लंबाई होती है आहार नाल की, वो 9 मीटर होता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होता है। आहार नाल मुख गुहा से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है और गुदा तक रहता है, और गुदा तक रहता है। देखिए अभी मैं ज्यादा इसमें कुछ बता नहीं रहा हूं, अभी मैं स्टार्ट कर ही रहा हूं। तो मनुष्य के पाचन जो है आहार नाल से स्टार्ट होता है। आहार नाल बेसिकली 9 मीटर लंबा होता है और आहार नाल जो है मुख गुहा से प्रारंभ होता है और गुदा तक फैला रहता है। सबसे पहले मानव पाचन, मनुष्य के पाचन में पाचन तंत्र को पढ़ना है। तो देखिए पाचन तंत्र, तो मनुष्य के पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र में आखिर कौन कौन सा सम्मिलित रहता है? तो देखिए मुख गुहा, मुख गुहा जिसे आप मुंह कहते हैं, मुख गुहा के बाद भोजन आमाशय जाता है, आमाशय के बाद भोजन पकवाशय में जाता है, पकवाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। देखिए मैं अलग अलग मुख गुहा, आमाशय, पकवाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, जब इन सबको सम्मिलित रूप से मिला देंगे तो मानव पाचन तंत्र कहलाएगा। मानव पाचन तंत्र कहने का मतलब क्या है? मनुष्य में जिस जिस भाग से पाचन होके गुजरता है, पाचन की क्रिया होकर गुजरता है, उस अंग को हम सम्मिलित करते हैं और इस सम्मिलित रूप को पूरे रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। इसके अलावा दो ग्रंथि इंपोर्टेंट है, ये तो ग्रंथि कौन इंपोर्टेंट है? तो दो ग्रंथि इंपोर्टेंट है, पहला है अग्नाशय, अग्नाशय और दूसरा है पित्ताशय। दूसरा क्या है? पित्ताशय। मेरा पढ़ाने का एक्शन थोड़ा अलग होगा, मैं अलग अलग वीडियो लाऊंगा। जैसे मैं मुख गुहा को अलग डिफाइन करूंगा, आमाशय को अलग डिफाइन करूंगा। अगर आमाशय छोटा सा टॉपिक है तो मैं आमाशय पकवाशय को एक साथ लाऊंगा, छोटी आंत बड़ी आंत को एक साथ लाऊंगा और अग्नाशय पित्ताशय को अलग से लाऊंगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न जिस रूप में भी मिले छूटना नहीं चाहिए, मेरा ये मोटो है। तो मुख गुहा हो गया, आमाशय हो गया, पकवाशय हो गया, छोटी आंत हो गया और दो ग्रंथि अग्नाशय और पित्ताशय, इन सब को जब सम्मिलित रूप से मिला देंगे तो वह मनुष्य का पाचन तंत्र कहलाता है, वह मनुष्य का पाचन तंत्र कहलाता। अब सवाल बनेगा कि बताइए आमाशय किसका भाग है? तो पाचन तंत्र का। पकवाशय किसका भाग है? पाचन तंत्र का। सबका अलग अलग होता है, जैसे मान लीजिए मुख हुआ आमाशय, पकवाशय छोटी आंत बड़ी आंत, अग्नाशय पित्ताशय, ये सब पाचन तंत्र का भाग है। उसी तरह श्वसन तंत्र का लैरिंक्स श्वसन तंत्र का भाग होगा, हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग होगा, उसी तरह उत्सर्जन तंत्र का भी भाग होता है। तो ये सब सवाल थोड़ा सा इजी है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि बताइए किसका भाग है। हाँ, एक्सिक्रेशन से गुर्दा तक ज्यादा पूछा जाता है, गुर्दा को लेके कि बताइए गुर्दा किसका है, तो उत्सर्जन तंत्र का। तो एक बेसिक आइडिया जब उससे पूछ सकता है, इनसे भी पूछ सकता है, तो याद रखिए। और मैंने ये सीरियल वाइज लिखा है,
मुख गुहा, मुख गुहा पर भोजन कहाँ तक अमोसे, अमोसे पर भोजन कहाँ जाता है पकवासे, पकवासे पर भोजन कहाँ जाता है छोटियों, छोटियों के बाद भोजन कहाँ जाता है बड़ियों। मैं अलग अलग वीडियो लाके पूरा तरह से आपको क्लियर करवा दूंगा, आपका एक क्वेश्चन भी छूट नहीं सकता। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए पेपर बनाने तो किसी भी तरह बना बन सकता है और कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मैं ओवरऑल जितना फैक्ट पूछा जाता है मैं उतनी आपको कोशिश कराऊंगा कवर करवाने में। अगर मेरी वीडियो लेक्चर में कोई बाय मिस्टेक कोई फैक्ट अगर बाय मिस्टेक में पढ़ने में गलत कर दिया या फिर लिखने में गलत कर दिया तो थोड़ा आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं ध्यान दूंगा। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये सीरियल वाइज है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। तो पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग क्या पढ़ना है हमें, तो पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग हमें पढ़ना है मुख गुहा, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, तो मुख गुहा को ही हम लोग मुंह बोलते हैं, मुख गुहा को ही हम लोग क्या बोलते हैं मुख बोलते हैं। तो पाचन क्रिया, पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही स्टार्ट होता है, मुख गुहा से ही प्रारंभ प्रारंभ होता है। प्रारंभ का मतलब शुरुआत होता है, यानी हम लोग जो भोजन करते हैं आप देखते हैं हाथ से लेते हैं सबसे पहले किस में लेते हैं, तो मुख में लेते हैं। इसलिए पाचन की क्रिया सबसे पहले मनुष्य में कहां से स्टार्ट होगा, मुख में होगा। उसके बाद देखिए मुख मुख गुहा में, मुख गुहा में मुख गुहा में तीन जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, तीन जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तीन जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख में, मनुष्य के मुख में तीन जोड़ी लार ग्रंथि, तीन जोड़ी लार ग्रंथि, दांत और एंजाइम पाए जाते हैं, और एंजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब देखिए मुख गुहा में भोजन होता कैसे है, जैसे ही आप कोई ठोस भोजन हमेशा ठोस पदार्थ के रूप में रहता है, जैसे ही आप ठोस पदार्थ मुख में लेते हैं मुख में दांत की सहायता से वो क्या हो जाता है, फूटने लगता है, जिससे वो धीरे धीरे लार उसमें क्या होता है मिलने लगता है, और वो धीरे धीरे क्या होगा ठोस से द्रव अवस्था में आते आते पूरा तरह से द्रव अवस्था में आता है, उसके बाद हमको गिलने में क्या होता है सहायता होता है। तो पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है, मुख गुहा में तीन जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है, मनुष्य के मुख में तीन जोड़ी लार ग्रंथि, दांत और एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए मनुष्य के मुख में, मनुष्य के मुख में, मुख में एंजाइम, मनुष्य के मुख में दो एंजाइम पाए जाते हैं, दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है लार इमेलेज या टाइलिन, पहला है लार इमाइलेज, जिसको आप टाइलिन भी कहते हैं। दूसरा है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। देखिए मैंने अभी क्या लिखा कि मनुष्य के मुख में तीन जोड़ी लार ग्रंथि है, दांत है और एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम है मनुष्य के मुख में, तो मनुष्य के मुख में दो एंजाइम है, एक है लार इमाइलेज या टाइलिन और दूसरा क्या है लाइसोजाइम। तो इन दोनों का कार्य क्या है, तो लार इमाइलेज या टाइलिन जो होता है वो क्या करता है, तो लार इमाइलेज
या टायरिन भोजन को कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। भोजन किस रूप में आता है मुख में? कार्बोहाइड्रेट में। मैं अभी आगे के फैक्ट लिखा देता हूं, आप लिख लीजिए। लारिमेलेज या टायरिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को लारिमेलेज या टायरिन कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देते हैं। देखिए ये पूरा तरह से फैक्ट है, आपको सीधा सीधा पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कौन बदल देता है, तो लारिमेलेज या टायरिन। लारिमेलेज या टायरिन किस में पाया जाता है? तो मुख गुहा में पाया जाता है। दूसरा है लाइसोजाइम, ये खाना के साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। कहने का मतलब, आप मान लीजिए कोई बच्चा में क्या होता है कि बच्चा आता है डायरेक्ट खाना खा लेता है, उनके साथ बैक्टीरिया भी आता है। वो बच्चा जैसे ही खाना खाएगा, मान लीजिए बैक्टीरिया भी उसके साथ गए, तो वो जो लाइसोजाइम पाया जाता है वो बैक्टीरिया को क्या करेगा? नष्ट कर देता है। और लारिमेलेज जो पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। अब देखिए, आप कार्बोहाइड्रेट आया, इससे आपको अंदाज लग गया होगा कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। देखिए, मैंने मुख फिर से देख लीजिए आप, मुख गुहा में पाचन में, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा में तीन जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख में तीन जोड़ा लार ग्रंथि, दांत और एंजाइम पाए जाते हैं। मनुष्य के मुख में दो एंजाइम पाए जाते हैं, लारिमेलेज या टायरिन। लारिमेलेज या टायरिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। और लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को नष्ट कर देता है। यानी मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के मुख में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब देखिए, मैंने एंजाइम का बात कर लिया है, अब मैं दांत की बात करूंगा। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, मनुष्य के मुख में दांत, एंजाइम, तीन जोड़ा लार ग्रंथि और जीभ भी होता है। मैंने जीभ छोड़ दिया, एंजाइम, और यहां पर आप लिख दीजिए जीभ। जीभ भी तो इसी में पाया जाता है, जीभ भी इसी में पाया जाता है। तो आप जीभ देख लीजिए, तो कितनों चीज, तीन जोड़ा लार ग्रंथि, दांत, एंजाइम और जीभ पाया जाता है। मैं आप इस पे एंजाइम पर बात कर चुका हूं, अब मैं दांत पर बात करता हूं। अब मैं किस पे बात कर रहा हूं? दांत पर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद मैं मिटाता हूं। दांत, इसे इंग्लिश में टीथ कहते हैं, दांत। तो देखिए, दांत जो है, सबसे पहले बाल्य अवस्था चलते हैं। तो बाल्य अवस्था में मनुष्य में अस्थाई दांत पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 20 है। देखिए, बाल्य अवस्था में मनुष्य में अस्थाई कौन सा दांत पाया जाता है? अस्थाई दांत पाया जाता है जिसकी संख्या 20 है। जिसकी संख्या क्या है? 20 है। जिसे क्या कहते हैं? इसे दूध का दांत कहते हैं। दूध का दांत कहते हैं। इससे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अस्थाई दांत की संख्या कितना है, तो 20 है। अस्थाई दांत होते किसमें? तो बालक में।
वो अस्थायी दंत कोई क्या कहते हैं दूध का दंत, या तो आप उसे सीधा सीधा पूछेगा कि वो अस्थायी दंत की संख्या बताइए, या फिर पूछेगा कि मान लीजिए सवाल पूछेगा सोनू सोनू बाल्य अवस्था में तो उसकी दंत की संख्या क्या होगी, तो सोनू किस अवस्था में बाल्य अवस्था में, तो बाल अवस्था में कौन सा दंत पाया जाता है, वो अस्थायी दंत जिसको आप क्या बोलते हैं दूध का दंत, तो उनकी संख्या कितनी है 20 है। लेकिन मनुष्य में तो सोच के देखिए 32 दंत होता है, तो फिर बाल्य अवस्था में 20 दंत ही क्यों, 12 दंत कहां गए। तो दंत कितने प्रकार का होता है, आप पहले होंगे 4 प्रकार का दंत लिख लीजिए, आप दंत का प्रकार तो दंत का प्रकार देखिए 4 प्रकार होता है, कृंतक रदरनक, तीसरा होता है चबरनक, चौथा होता है अग्रचबरनक। ये दंत का प्रकार है, मनुष्य में 4 प्रकार के दंत पाए जाते हैं, कृंतक रदरनक चबरनक अग्रचबरनक। अब बताइए टोटल मिला के 32 दंत है मनुष्य में, आप पढ़ेंगे ऊपर वाले जेब्रा में 16 और नीचे वाले जेब्रा में 16 32 दंत होता है, लेकिन बाल्य अवस्था में कौन कितने दंत है 20 दंत है जिसे दूध की संख्या कहते हैं। तो फिर आखिर 12 दंत गया कहां, तो आप नोट करके लिखिएगा कि बाल्य अवस्था में या दूध की दंत में अग्रचबरनक प्रकार के दंत नहीं पाए जाते हैं। तो वो जो गायब हुआ दंत है ना वो इसका प्रकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है बताइए दूध की दंत की संख्या 20 है जिसे वो अस्थायी दंत कहते हैं, या फिर पूछेगा कि दूध अस्थायी दंत कहते हैं उस अस्थायी दंत में या फिर दूध के दंत में दंत का कौन सा प्रकार नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, अग्रचबरनक प्रकार नहीं पाया जाता है, यानी बच्चों में जो दूध की दंत जिसके पास है उनमें प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा, उनमें दंत का कौन सा प्रकार नहीं पाया जाएगा प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा। दंत के सबसे कठोर भाग को इनामेल कहते हैं, दंत के सबसे कठोर भाग इनामेल है। तो दंत का सबसे कठोर भाग कौन सा, इनामेल। अच्छा इनामेल का निर्माण किससे होता है, इनामेल का निर्माण किससे होता है इनामेल लिख लीजिए आप, इनका निर्माण किससे होता है, तो इनामेल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से होता है, इसका जो निर्माण होता है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। आप देख रहे हैं बच्चा में क्या होता है, अस्थायी दंत होता है, अस्थायी दंत की संख्या 20 है जिसे दूध का दंत कहा जाता है, दंत के 4 प्रकार होते हैं कृंतक रदरनक चबरनक अग्रचबरनक। तो दूध के दंत में प्रीमोलर टीथ अग्रचबरनक दंत क्या होता है नहीं पाया जाता है। दंत के सबसे ऊपरी भाग या सबसे मजबूत वाला भाग जो कठोर भाग होता है उसे इनामेल कहते हैं। इनामेल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। इनामेल का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। अब देखिए इसमें लिख लीजिए दंतों की संख्या 20 है, लिखो इस तरह से, इधर आप नोट डाउन करके लिखिए अस्थायी दंतों की संख्या
देखिए दूध की दांत जो अस्थायी दांत है वो 20 है, और अस्थायी दांत जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं अस्थायी दांत की संख्या 32 है। ये बात दोनों ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि अस्थायी दांत की संख्या बताएं तो 32 होता है, और अस्थायी दांत की संख्या बताएं जिसे दूध का दांत कहते हैं तो 20 होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि दूध के दांत में प्री मोलर प्रकार का टीथ जो है यानी अग्र चवर्णक प्रकार के दांत नहीं पाए जाते, बहुत कृंतक मदनक चवर्णक पाए जाते हैं। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैंने कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखा है। फिर मैं आप किस पे जा रहा हूँ तो जीव पर जा रहा हूँ, मनुष्य के जीव पर, उनसे जो क्वेश्चन बनता है मैं उससे 3 से 4 फैक्ट पूछा जाता है, उसके बाद जीव से कुछ नहीं पूछा जाता है। आप इसे नोट डाउन करें, जीव मनुष्य का जीव, यहां पर किसके जीव के बारे में चर्चा हो रहा है तो मनुष्य के जीव के बारे में। जीव से मात्र 4 फैक्ट पूछा जाता है, आप उस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपका जीव से क्वेश्चन फिर छूटेगा नहीं। जीव जो है एक मौसल संरचना है, जीव एक कैसा संरचना है तो मौसल संरचना है। मौसल का मतलब है कि जीव में सिर्फ मांसपेशी है। आप कमेंट करके बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं, तो मौसल रचना है। मौसल का मतलब है सिर्फ मांस है, मनुष्य के जीव में कोई हड्डी नहीं पाया जाता है, मनुष्य के जीव में कोई हड्डी नहीं पाया जाता है, मनुष्य का जो जीव होता है बस एक मौसल रचना है। इनसे जो फैक्ट पूछा जाता है कि बताइए आगे में कैसा स्वाद रहेगा पीछे का स्वाद, तो ये तो जीव में जीव से ही अभी लिखना है आपको कि जीव के आगे से पीछे से साइड से आप बगल लिख सकते हैं, और बस यही लिखना है आपको। तो देखिए जीव कैसी संरचना है, तो जीव एक मौसल संरचना है। फिर पूछा जाता है इसके स्वाद के बारे में, किस इसके स्वाद के बारे में पूछा जाता है, तो आगे से मीठे का स्वाद, आगे से किसका स्वाद चलता है मीठे का यानी आप कोई चीज खाएं आपको क्या हुआ मीठा लगा, कोई चीज आप खाएं और आपको खाने वो मीठा लगा, वो तो आपको स्वाद, जीव का मेन काम क्या है स्वाद लेना। तो अगर आप खाएं कुछ आम खाएं मीठा लगा आपको, वो जो मीठे का स्वाद आपको जीव पर आया वो किस भाग से आया, तो जीव के आगे के भाग से। कौन सा भाग से, जीव के आगे के भाग से। आप मान लीजिए कुछ खाएं आपको आप करवा लग गया, खाने के बाद हुआ पदार्थ आपको कैसा लग गया करवा लग गया, तो करवा हमेशा पीछे वाले भाग से लगता है, करवा हमेशा जीव के पीछे वाले भाग से लगता है। आम खाएं मीठा लगा, मीठा लगने के बाद क्या हुआ आपको पता चल गया कि वो आगे वाले भाग से, करवा लगा खाने के बाद कोई खाना या कोई पदार्थ आप खाएं आपको करवा लग गया तो आप पीछे वाले, वो पता चला किसे पीछे। अब आप खाएं आपको खट्टा लग गया, आपको कैसा लग गया खट्टा लग गया, इमली फॉर एग्जाम्पल इमली खाने के बाद आपको कैसा लगता है खट्टा लगता है, तो वो जो खट्टा लगा आपको ये बात पता चला है वो जीव के किस भाग से पता चला है, तो साइड वाले भाग से, बगल वाले भाग जिसको बोलते हैं। तो ये बात परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जीव के किस भाग से मीठे का स्वाद का पता चलता है, तो आगे वाले भाग से। जीव के किस जीव में करवा का स्वाद किस भाग से पता चलता है, तो पीछे वाले भाग से। खट्टा खाने इमली खाने के बाद आपको खट्टा लगता है किस भाग से पता चलता है जीव के, तो साइड वाले भाग को। लेकिन अभी तक चर्चा क्या हुआ बीच वाले भाग का नहीं हुआ, तो आप नोट करके ये बात लिख लीजिए, ये तो बेसिकली सबको पता होगा, नोट करके लिख लीजिए कि जीव के बीच वाले भाग से, जीव के बीच वाले भाग से
आप इस तरह से लिखे, जी के बीच वाले भाग स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप कोई कोई भी चीज अगर आपको स्वादहीन लग रहा है तो वो बीच वाला भाग पर रखा गया, वो जीभ के किस भाग पर रखा गया, बीच वाले भाग पर, यानी आगे के भाग से जीभ के मीठा का स्वाद, पीछे वाले भाग से कड़वा का स्वाद। अगर आपको खट्टा लग गया तो आप मान के चलिए आप बगल वाला भाग से पता चला, ठीक। और जीभ के बीच वाला भाग क्या होता है, स्वादहीन होता है। ये मेरी मुख गुहा पर पूरी तरह से लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, मैं अगली क्लास में अमोसे और पकवासे की चर्चा करूंगा। अगर उससे कोई फैक्ट लिखने में या फिर बोलने में बाय मिस्टेक हो जाता है तो आप उस पर थोड़ी सी कमेंट करें और ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर देखें। मुझे लगता है कि मैंने वो फैक्ट नोट डाउन किया है जो मान लीजिए क्लास 10th में भी है और मान लीजिए कोई अदर बुक में भी मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँ ताकि मैं खुद पर मेहनत कर रहा हूँ और मैं खुद उभरूँ। मुझे ये नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको परीक्षा में जारी रहेगा, लेकिन मैं यही सब प्रश्न क्या परीक्षा में पूछा जाता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आप बिगनर हैं तो और बेनिफिट, कोई व्यक्ति मान लीजिए आप सब चीज पते है उसको, मान लीजिए वो पढ़ा है, उस व्यक्ति को ऐसे भी लगेगा कि ये सब तो बात बेसिक है। जो बिगनर है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा मेरे वीडियो लेक्चर से समझने में। इसे नोट डाउन करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।